मैच मैच हो मैच पीछे अर्जुन सर यहाँ पे आपका फ्लैश आ रहा है यहाँ पे अर्जुन भाई यहाँ पे यहाँ पे तेरी उंगली पे देखो तो अर्जुन भाई थोड़ा ऊपर भी है यहाँ पे यहाँ पे अर्जुन सर यहाँ पे अरे एक सेकंड हिम्मत से बाल को पीछे दो यहाँ पे सेंटर में नीचे और ये कैमरा भी फ्लैश होता है हमको नहीं पता हम कौन सा कैमरा की बात ऐसे लग रहा है बाल अच्छे लग रहे हैं माला गुटे बैठ ले अर्जुन यहाँ पे बदल दी गई अरे ढकलो मत दे मुझे क्या लग रहा है आपको ये देख के मेरा दिल क्या लग रहा है अरे काय चल रहा है मैम यहां पे उमा जी यहां पे अरे चल बाहर रहा अर्जुन गेला अभी क्लियर करो अर्जुन भाई यहां पे अर्जुन भाई यहां पे अर्जुन सर यहां पे अमन बूम रेडी रखो जो जो मेन है पीछे से क्लियर हो जाओ अरे वहाँ पे आ गई मैम सेंटर में सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर हिलमत यार थैंक यू सर आई थिंक उमंग पहले आप बताएं क्योंकि मेरा तो ये तीसरा अनुभव है इज माय थर्ड आईबीडी फिनाले ये आपका पहला है आप बताइए वेरी एक्साइटेड बिकॉज सैड भी फील कर रहा हूँ कि शो खत्म होने आया है एक्साइटमेंट ये है कि ग्रैंड फिनाले है एंड धमाल करने हमारे साथ
अर्जुन आए थे और परिणीति आए थे, बहुत मजा किया उन्होंने। और जैसे यू नो हमारे एक्सपर्ट जज है, तो इसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, दो सीजन में हम देखते आ रहे हैं कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उसके यू नो छत्र छाया में हमने इस सीजन को जज किया है। बहुत मजा आया, एक नया रूप था मेरा, और लेकिन बच्चे लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। एंड यू नो यू गेट एक्साइटेड और आप बहुत सीखते हो इस शो से, मजा आया। अच्छा विवेक, मी टू मूवमेंट चल रहा है बॉलीवुड में, और मेनका गांधी ने भी अभी यूनियन मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है मी टू मूवमेंट को, जो तनुश्री दत्ता को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका क्या राय है? मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, कहीं भी हो, चाहे फिल्म का स्पेस हो, या चाहे ऑफिस की स्पेस हो, या चाहे जर्नलिज्म की ऑफिस हो, हमें हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें सुरक्षित महफूज फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली एज मैन बट एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो या चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, 70 साल हो गए, लेकिन इस देश में इतनी सारी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली। और ये जो कोई भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, मुझे लगता है कि वो पावर, वो मकाम को गलत इस्तेमाल करना, उसका उस पावर का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करना, किसी पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करना, लॉबीइज्म और ये जो चलता है, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, काम से निकलवा देना, ये कर देना, ये सब अब हट जाना चाहिए। आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, कभी कभी एक पर्ज होता है ना, जैसे मीटू में हुआ है, एक पर्ज हुआ है कि सिस्टम साफ हो गया वहाँ पे। मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ भी, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर बिजनेस में, हर फील्ड में ये पर्ज होना ज़रूरी है। अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन यही चीज़ हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं जो जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, उनसे भी हमें यही बात सुनने को मिलती है। स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में है तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी लोग हमसे यही बात करते हैं। जब मैं बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे बात करता हूँ तो वो भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, इसे तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए और रेपरकशन होना चाहिए। इट्स टाइम फॉर अ चेंज, और जैसे कि इन्होंने कहा है कि सब लोग सामने आएंगे तो बेटर होगा, यू नो मी टू का ज़माना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ गट्स करके कोई बाहर आता है तो सपोर्ट करो उसे, एंड जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, भले हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में हम देख चुके हैं पहले, एंड यू नो कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, चुप बैठे हैं और पहली बार कोई आया है सामने तो उनको सपोर्ट करो। चलिए हम ड्रामे बास पे आते हैं। कितना बचपना, उल्टा ही कर रहे हो आप, कितना बचपना जब शूट के दौरान या कितना बचपना बाहर आता है इस तरह के शूट को लेकर? यार सबसे पहले तो आज ग्रैंड फिनाले है, तो इन बच्चों के साथ में 14-15 हफ्ते हो गए हैं और एक ऐसा एहसास होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि एक परिवार सा बन गया इनके साथ में। तो इनकी भी हमारे आंखों के सामने हम ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब कब ये आए थे, कैसे कच्चे कच्चे थे, कच्चे हीरे अब पॉलिश होके चमक रहे हैं हमारे मंच पर। और पिछले दो सीजन्स में हमने देखा है कि जितने बच्चे आए हैं उसमें से कई बच्चे टेलीविजन पे, फिल्म्स में, एड्स में छा गए हैं, स्टार्स बन गए हैं। तो उससे एक बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलती है हमको भी कि ये जो हम कर रहे हैं इससे इन बच्चों का जो सपना है, जो ड्रीम है एक्टर बनने का, ड्रामेबाज बनने का, ये ड्रीम पूरा हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप हर सीज़न में ऐसा लगता है, जब सीज़न समाप्ति होती है तो ऐसा लगता है कि मैं इन बच्चों को मिस करूँगा, क्योंकि इनके साथ में जैसे आपने कहा हम भी बच्चे हो जाते हैं, हमें अपना बचपन याद आ जाता है, हमें अपनी मस्तियाँ याद आ जाती है, और वो जब एक दूसरे से झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, उनकी बॉन्डिंग देखते हैं तो हम अपने यादों में खो जाते हैं, हमारे दोस्तों को याद करते हैं। तो ये एक ऐसा शो है जिसे हम कहते हैं दुनिया का सबसे हैप्पी शो, क्योंकि यहाँ पे कोई रोने धोने वाले पंगे होते नहीं हैं। आप पहला शो देखेंगे जहाँ पे प्रतियोगिता में जितने लोग कंपीट कर रहे हैं वो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं कि यू नो ये भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो। तो वो हमने कभी वो नेगेटिव कॉम्पिटिशन फॉस्टर नहीं किया इस शो में। थैंक यू।